जय साहब, माँ से राम के लिए भी आशीर्वाद मांग लीजिए ना, आज उसका रिजल्ट निकलने वाला है। उसका रिजल्ट मैं पहले ही जानता हूँ रजनी, फर्स्ट है का फर्स्ट, आखिर बेटा किसका है? बेटा तो मेरा है, मेरा। लो, हमारी बेटी भी आ गई। दुनिया भर की घड़ियां लेट हो सकती हैं, लेकिन हमारी शांता बेटी कभी लेट नहीं होती। क्यों बेटा? अच्छा ये बताओ, तुम मेरी बेटी हो या अपनी माँ? क्या शरीर से ही कितना ख्याल रखती है मेरा, कितनी समझदार है। अगर तुम्हारी सहेली ये चांद सी बेटी तुम्हें न सौंप जाती तो मैं तो कम से कम कोर्ट में रोज भुका जाता। ये तो आपने ठीक कहा, सारा घर संभाल रखा है इसने, मुझे तो कुछ करने ही नहीं देती। पराए घर चली जाएगी तब पता चलेगा श्रीमती जी। ये आपसे किसने कहा श्रीमान? वो पराए घर जाएगी ही क्यों? ओहो, बड़े लंबे चौड़े इरादे कर रखे हैं आपने। हमारी बेटी से पूछ तो लिया होता को तुम्हारे बेटे को पसंद करती भी है या नहीं। भगवान, मैं तुमसे अपने लिए कुछ नहीं मांगती, आज मेरे राम को जरूर पास कर देना। क्यों जी, तुम मेरी बातें क्यों सुन रहे हो? शंकर, 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 मैं पास हो गया, सारे कॉलेज में अव्वल आया हूँ। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। हट जाओ भाई, मुझे भी अपने दोस्त को मुबारकबाद देने दो। मुबारक हो वकील साहब, मुबारक हो। माय फादर इज द सेकंड। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सिर्फ थैंक यू से काम नहीं चलेगा हीरो, वकालत का मुहूर्त होने से पहले हमारा मुहूर्त हो जाना चाहिए। तुम्हारा कैसा मुहूर्त? तुम्हारे पास रहने की खुशी में एक शानदार पार्टी। जरूर जरूर, बोलो कब? आप इसी वक्त, यही आज। हाँ चलो। भाई तुम लोग पार्टी की तैयारी करो, मैं माल लेकर आता हूँ। ये आलू और सब्जी 3 रुपए, ये एक दर्जन अंडे 1.5 रुपया। देखो बड़े बड़े है ना, हिसाब दो पहले। हाँ, ये लिप्टन चाय 1.5 रुपया। और बाकी बच्चे? 3.5 रुपए। कहाँ है 3.5 रुपए? लाओ। 3 रुपए रास्ते में गुम हो गए, और 8 आने की सिगरेट। सिगरेट? हाँ। ये सिगरेट कौन पीता है इस घर में? कौन पीता है इस घर में? हा? याद रखो मुंशी, ये तमाम पैसे मैं तुम्हारी तनख्वाह में से काट लूंगी, समझे? समझा। बाप रे, ठहर जा मुन्ने, तुझे अभी ठीक करता हूँ। राम आ गया। राम मुन्ने, मुन्ने तुम्हारा भैया पास हो गया। बोल मुंशी, बोल बोल, मैं क्या करता हूँ? बस राम के शेर साहब, आज तो बहुत खुश नजर आते हैं आप। बंदे की सूरत ही ऐसी है, सारे कॉलेज में अव्वल आया हूँ। अब तुम जल्दी से मोहल्ले भर के लड्डू बांधो और फौरन से पेशतर बंदे को 200 रुपए दे दो। 200 रुपए? जी हाँ, मैंने अपने दोस्तों को पार्टी देनी, यकीन आए तो पूछो शंकर से। क्यों शंकर साहब? भाई फादर, मेरा राम बिल्कुल ठीक कहता है। मगर 200 रुपए मिलने जरा मुश्किल। मुश्किल है? जी हाँ। क्यों मुश्किल है? किस लिए मुश्किल है? काहे मुश्किल है? देखो महिला, इस मुश्किल के चक्कर में डाल के कहीं मेरी मुश्किल ना कर देना। मेरी इज्जत का सवाल है, नहीं दोगी तो मैं माँ को कहूंगा। माँ, तुम्हारा बेटा BA LLB सारी यूनिवर्सिटी में फर्स्ट आया, बड़ी शान से पास होके आया हूँ। और बड़ी शान से 200 रुपए भी मांग रहे हैं माँ जी। तो इसमें हर्ज क्या है? पास होने की खुशी में दोस्तों को पार्टी नहीं देनी चाहिए? पार्टी क्यों देनी चाहिए जी? सीधा माँ, ये मेरी प्राइवेट बात है, बीच में टांग लगाती है। बोल दे। ठीक तो कह रहा है मेरा बेटा, पार्टी जरूर देनी चाहिए। अगर पार्टी देनी भी है तो घर में सबको बुला लेना, हम भी शामिल हो जाएंगे। हाँ, ये भी ठीक है। अरे ठीक कैसे माए, तो खामखा बड़बड़ा सी। ठीक है, क्यों क्यों का क्या मतलब है? सारे कॉलेज को घर में कैसे ला सकता? 500 मेहमान होंगे घर में, क्या जगह नहीं है? अरे घर में क्या मतलब, पूरी यूनिवर्सिटी को क्या हुआ? छोटे सरकार, बगीचे में दरिया बिछा देंगे, घर में हलवा भी बिठा देंगे, और गरम गरम पूरी कचौरी। तुम्हारी राय किसने पूछे मुंशी? जाते काम पर, जो भी आता उल्टा मसला देने चला आता। मैं बोलने से मुझे 200 रुपए दे दे। मगर 200 से काम चल जाएगा बेटा। चाची, दरअसल बात यह है कि हम सब लड़के मिलकर एक पार्टी दे रहे हैं, यानी कि चंदा सिस्टम। चंदा सिस्टम, इसीलिए तो 200 रुपए मांगता हूँ, वरना पार्टी के लिए तो 2000 रुपए की जरूरत होती है। चंदा ही देना है माता जी, तो फिर 20 रुपए दे देती हूँ। 20 रुपए दे देती है? 50 रुपए तो जो लड़के फेल हुए ना उन्होंने दिए। मैं तो फर्स्ट टाइम, मुझे तो सबसे ज्यादा चंदा देना। भाई मत दो, पिताजी के नाम की बदनामी होगी, मेरा क्या जाता? मां से दिन बार बार तोड़ी आते, बोल नहीं से मुझे। ये बात तो ठीक है माता जी, ऐसे मौके बार बार थोड़े ही आते हैं। जिंदगी में पहली बार तो फर्स्ट आए हैं बेचारे। पहली बार फर्स्ट है तुम्हारी तरह नहीं, जो कि 3 साल मैट्रिक में फेल होती है। रिश्वत दे के तो मेरे साथ मत कर। मुझे 200 रुपए दे। अच्छा बाबा, क्यों गरम होते हैं वकील साहब? आपको 200 रुपए चाहिए ना?
दे देती हूँ, क्यों माँ? ठीक है ना? अब वही ना बात है, आप सीधे रास्ते पे आई हो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच कैचियर साहब। थ्री चेयर तो जानता है बेबे। हुर्रे बेबे बेबे हुर्रे बेबे हुर्रे। चल इधर ही बैठना, मैं अभी आता हूं। मैं अभी आता हूं। सब लोग मेरे साथ आना। तो आता हूं माता जी। कैशियर की जाए, शांता की जाए, शांता के हाथों में चाबियों की जाए। लोग बैंक डाकखाने और सौकारों से रुपया लेते, मगर हम अपनी शांता दीदी के गुनगाते। लाइए कैशियर साहब हमारे रुपए। आज तो ये सेफ ही नहीं खुलता। हाँ हाँ हाँ, सेफ ही नहीं खुलता, हमारी बारी है तो सेफ नहीं खुलता। फट तो कैसे नहीं खुलता? गिनने तो दीजिए, 400 रुपए है। गिनने की क्या जरूरत है, जितनी भी आप ही की दौलत है, बच गई तो लौटा दूंगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, वापस कर दो, नहीं तो मैं माता जी को बुलाऊंगी। हाँ बुला तो, मैं करता हूँ। माँ से माँ की बच्ची क्या मामा लगा रखी, कह तो दिया बच के तो वापस कर दूंगा, और अगर ना भी दिए ना, हाँ तो तेरे लिए एक स्लीपर, एक सलवार, एक तीर, एक तलवार, एक नेजा, कटार ला दूंगा, ना लाया तो गर्दन मार देना बस। जी नहीं। जी हाँ। जी नहीं। होई होई होई। होई 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 होई। सुनो, माता जी ने सिर्फ 200 रुपए देने के लिए कहा है, समझे? माता जी से पूछे बगैर मैं 1 पैसा ज्यादा नहीं दूंगी। हाँ सुन महिला, बातें माता जी से पूछ कर नहीं होंगी। क्यों? ये हम दोनों का प्राइवेट मामला है ना, तो हम इसे प्राइवेट तय कर लेंगे। फादर सुहाई है। लीजिए। मैं शराब नहीं पीऊंगा। ये आबे हयात है हुजूर। कुछ भी हो मैं नहीं पीऊंगा। भाई फादर क्या बच्चों की सी बात करते हो राम, इसके लिए मुझे मजबूर मत करो शंकर। आप मेरी तरफ देखिए, मैं इसे नहीं छूंगा। छूने का गुनाह तो मैं कर रही हूँ हुजूर, आप सिर्फ पी लीजिए। नहीं, आपको मेरी पसंद, मेरी मोहब्बत के सदके एक चाम, एक बार लबों की एक हल्की सी जुम्बिश। भाई फादर डर गए क्या मेरे नन्हे मुन्ने? नन्हे मुन्ने इसमें डरने की क्या बात है, तो पी लीजिए ना। जियो राम जियो, भाई फादर अब रंग आएगा। मैं तुम्हें क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह।
जाहिद शराब पीने दे मस्जिद में बैठ कर, या वो जगह बता दे जहां पर खुदा न हो। मुझको यारो माफ करना मैं नशे में हूँ, मुझको यारो माफ करना मैं नशे में हूँ। अब तो मुमकिन है बहकना मैं नशे में हूँ, मुझको यारो माफ करना मैं नशे में हूँ। कल की यादें मिट रही हैं, दर्द भी है कम, अब जरा आराम से आ जा रहा है दम, अरे आ जा रहा है दम। कम है अब दिल का तड़पना मैं नशे में हूँ, अब तो मुमकिन है बहकना मैं नशे में हूँ। मुझको यारो माफ करना मैं नशे में हूँ। ढल चुकी है रात कब की उठ गई महफिल, मैं कहाँ जाऊँ नहीं कोई मेरी मंजिल, नहीं कोई मेरी मंजिल। दो कदम मुश्किल है चलना मैं नशे में हूँ, मुझको यारो माफ करना मैं नशे में हूँ। है जरा सी बात और छल के हैं कुछ प्याले, पर न जाने क्या कहेंगे ये जहां वाले, कहेंगे ये जहां वाले। तुम बस इतना याद रखना मैं नशे में हूँ, अब तो मुमकिन है बहकना मैं नशे में हूँ। मुझको यारो माफ करना मैं नशे में हूँ। कल रात तुम शराब पीकर आए थे? जी, कल कल मैं एक पार्टी में गया था और वहां मुझे दोस्तों ने मजबूर किया।
और क्या हुआ उस पार्टी में? जी यही बस गाना बजाना। गाना बजाना? मुजरा? जी 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 मुजरा? तुम मुजरे में शामिल हो? तुम एक जज के बेटे, मेरे बेटे, कल रात शराब पीकर तुम तवायफ के साथ मुजरे में शामिल हो? ये लो चाबी, उस अलमारी में एक तस्वीर पड़ी है, उसे ले आओ। जानते हो ये तस्वीर किसकी है? जी ये तुम्हारी दादी की तस्वीर है। दादी जी की? हाँ, तुम देख रहे हो कि इस तस्वीर का आधा हिस्सा फटा हुआ है। जी वो आधी तस्वीर मेरे बाप की थी, मैंने खुद अपने हाथों से फाड़ कर जला दिया। आपने अपने पिताजी की तस्वीर जला दी? क्यों? इसलिए कि उसकी बुराइयों की छाया मेरे खानदान पर न पड़ सके। मैं उसके निशान तक को मिटा डालना चाहता हूं। मुझे उससे नफरत है, नफरत। नफरत? मैं आपका मतलब नहीं समझा पिताजी। मैंने आज तक ये बात किसी को नहीं बताई, मगर आज तुम्हें बताने का वक्त आ गया है। मेरा बाप बदचलन, आवारा, शराबी और खूनी था। हाँ, मैं खूनी का बेटा, शराब के नशे में डूबकर मेरे बाप ने एक नहीं दो खून किए थे। दो खून? हाँ, एक उस नाचने वाली तवायफ का जिसे वो चाहता था, और दूसरा उस रकीब का खून जिसे वो नाचने वाली तवायफ प्यार करती थी। उस नाचने वाली औरत और शराब ने मेरी और मेरी माँ की जिंदगी बर्बाद कर दी। राम, फिर अदालत ने मेरे बाप को उम्र कैद की सजा दी, मगर मैंने और मेरी माँ ने उससे कहीं ज्यादा सजा भुगती। लोग मुझे शराबी और खूनी का बेटा और मेरी माँ को बदचलन कातिल की बीवी कहने लगे। उस वक्त मैं सिर्फ 8 साल का बच्चा था। मोहल्ले वाले हमें नफरत की निगाहों से देखने लगे और हमारे लिए उस शहर में रहना मुश्किल।